मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कंगना रनौत ने की बैठक, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, प्रदेश कांग्रेस सरकार को बताया जनविरोधी। मंडी में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने किया जनसंपर्क, पीएम मोदी का जताया आभार, विधायक दिलीप ठाकुर मौके पर रहे मौजूद। नाहर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से की चर्चा, चुनावों को लेकर रणनीति तैयार। शिमला में सहभागी विधायकों पर सीएम सुक्खू ने बोला हमला, बीजेपी के सीएम सुक्खू का किया पलटवार, कहा विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। दिया चुनावी तैयारी से जुटे पूर्व विधायक रवि ठाकुर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, केंद्रीय नेतृत्व और रवि ठाकुर को जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं, खबर मंडी से है, जहां पर बीजेपी ने भीमाकाली मंदिर परिसर में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंडी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी हिस्सा लिया है। और बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार जनविरोधी सरकार है और इस सरकार से मंत्री विधायक भी परेशान हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी जून में दो सरकारें बनाएंगे। वहीं कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी परिवार के साथ मुलाकात की है और ये बीजेपी परिवार मुझे विजय बनाएगा जिससे मोदी के हाथ मजबूत होंगे। उससे हमारा काम करने का हौसला, हमारे काम करने की ऊर्जा और भी ज्यादा सीधी हो जाए और मुझे पार्टी की खुशी है कि हम पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिनके कौन हमारा प्रत्याशी होगा ये घोषित कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से अपने राजनीतिक क्षेत्र से पहले फिल्म जगत में अपनी एक पहचान बनाई है, परिश्रम करके मेहनत करके बहुत कठिन काम होता है, बहुत निश्चित होता है, लेकिन पहचान बनाने में सब सफलता मिली, बहुत परिश्रम किया, मेहनत। अब राजनीतिक क्षेत्र में आई है तो निश्चित रूप से उसी लगन के साथ, मेहनत के साथ यहां पर करेगी, यहां पर भी आप पहचान बनाएंगी और यहां पर भी सफलता आपको मिलेगी, ऐसा पूरा। हमारे जो मंडी सरकाघाट एरिया में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका जो एरिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी एक मीटिंग हुई है, इंट्रोडक्शन हुई है और हमारी जो है एक स्ट्रेटजी भी बन रही है। ठाकुर साहब हमें अब गाइड भी कर रहे हैं कि ये सारा जितना भी फोर्स है, पार्टी का जो फोर्स है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे और अब की बार चार की चार, जो हिमाचल का नारा है, चार सीटें हैं, चार की चार, हम जो है वो 400 पार का जो एक प्रण है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कैसे उसको सहयोग करेंगे, उसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है और मेरी जो है पहली बार मेरी सब पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, नीडलेस टू से। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट की कई पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने पोटा, फतेहपुर, हरी, बहना, मोही, अपर बरोट में लोगों के साथ में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी मंडल सरकाघाट और विधायक दिलीप ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि पीएम रामचंद्र के अवतार हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मोदी की सेना में शामिल होने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हीरोइन के साथ में मंडी की बेटी हूं और मैं राजनीति क्षेत्र में बेहतर काम कर लोगों की सेवा करूंगी। व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते जिसको हमने कभी देखा ही, और फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जब 24-24 का आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो, देखिए प्रभु राम की कृपा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और प्रभु राम की कृपा हिमाचल वासियों पे होगी। जब पर्ची डाली गई तो पर्ची भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की निकली और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहां से राज्यसभा का सांसद बन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ज्यादा दिन सरकार रहने वाली और निश्चित तौर पे
आपके क्षेत्र का विकास होगा। बैठ कांग्रेस जी हर बात को रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 10 कैबिनेट में 10 दिन में लागू करेंगे, पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। भाई मिले किसी को 1,500 रुपए? नियम बनाए रहा, मैं मेहमान सरघाटा वोट नहीं मांगने आए, क्योंकि मैं सरघाटा की बेटी, मेरा इतनी वोट मांगना बनता नहीं है। अपने घर को वोट मंगा, अपने घर वोट मंगने का चलन आया ही नहीं है। कहती हैं जो तू जो दिलीप जी दस्या भाई, मिंजू तक कई जगह से बोली रहा हूँ, जो पार्टियां खबर भी उड़ाई ना भाई, कई जगह से बोली रहा थे भाई जो ऐसा दे देना ऐसा दे। तो मैंने डजी जी के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखिए अगर मेरे को किसी की सेवा में लगाना है तो आप मेरे को मेरी जन्मभूमि की ही सेवा में लगाओ। लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अब सक्रिय हो चुके हैं और कई सभाएं भी आयोजित की जा रही है, और इसी के चलते आज नाहन में बीजेपी ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की और बैठक में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से चुनावों को लेकर चर्चा की गई और उन्हें कई चुनावी टिप्स भी दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लिए जा रही है और विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी द्वारा चढ़ाया गया और थोड़े दिन में कर्जा लेना शुरू किया, पिछले कल भी 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, एक महीने में 1,000 करोड़ की एवरेज आ रही है। अगर ये सरकार, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर 60 महीने चलती है तो 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा वो लेने के बावजूद विकास बंद, काम बंद, सड़कें बंद, पानी का काम बंद, बिजली के रेट ज्यादा, शोर मचाया था कि महंगाई बहुत हो गई डीजल के। खबर शिमला से है, जहां पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व 6 विधायकों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार तीखा जुबानी हमला बोल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सीएम पर पलटवार भी किया। उस दौरान बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने भी कहा कि सीएम सुक्खू पूर्व 6 विधायकों के लिए जो अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है, सीएम को इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती है। और इसके साथ ही रणधीर शर्मा ने यह भी कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 महीने के कार्यकाल में अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए और अब विधायकों को अपमानित करते रहे, जिसके चलते 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस सरकार का दामन छोड़ बीजेपी को समर्थन दिया है। मानना है कि पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा है, हताशा है और मुख्यमंत्री समेत वो सभी नेता निराशा हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में है कि वो आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर और उनको छोड़कर गए विधायकों पर बिना। खबर कुल्लू से, जहां पर लाहौल स्फीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी मतों से जीत हासिल करेगी और वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर सहित तमाम विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिलेगी। इसके साथ ही रवि ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल के हित को देखते हुए उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, क्योंकि प्रत्याशी हिमाचल से संबंध रखते थे। से हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, ये जो हमारे विधानसभा दोबारा से चुनाव घोषणा हुई है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी मसलियत को देखते हुए और हमारी जनता को लाभ को देखते हुए, और इसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने
ये कहा था कि 5 साल के लिए आपकी अवधि, मगर 4 साल में हमें अनसीट कर दिया गया, तो हमारी निश्चित रूप से जीत होगी। और पूरे हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी यात्रा का मुख्य साधन है और वही इस साल एचआरटीसी अपने सफर के 50 साल पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष में आपको बताते चलें कि एचआरटीसी के स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और आपको बताते चलें कि 50 सालों के यादगार और संघर्षशील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एचआरटीसी एमडी कार्यालय में बस संग्रहालय बनाने भी जा रहा है। फिफ्टी ईयर्स चले हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 से हमारे 50 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस 50 ईयर्स सेलिब्रेशन का में कई बिंदु हैं, जिसमें मतलब हम साथ साथ में अपने नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ एक छोटा सा मिनी म्यूजियम, साथ साथ में एक कॉफी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री, सारी चीजें हो रही हैं। तो उस धर्मशाला में आपको बताते चले कि आपदा मुक्त हिमालय को लेकर पीपल फॉर हिमालय अभियान का आगाज किया गया है। पीपल फॉर हिमालय अभियान हिमालय क्षेत्र के प्रगतिशील समूह और नागरिक सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू किया गया है। वहीं इस विषय पर अध्यक्ष कुलभूषण उपमन्यु और साथ ही कोऑर्डिनेटर गुमान सिंह, सौम्या दत्ता सुमित और साथ ही अन्य सदस्यों ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में विकास के लिए मॉडल को लेकर जमीनी स्तर पर प्लान बनाकर कार्य करना चाहिए। है उसमें मुख्य विषय ये है कि हिमालय जो कि एक बहुत नाजुक पहाड़ है, उसमें आपदा मुक्त टिकाऊ विकास कैसे लाया जाए, और उसके लिए जो भी मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए हैं उनको हम केंद्र स्तर पर जो भी मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके सामने ले जाएं। सोलन के शमलेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल निजी कंपनी से रिजाइन देकर शादी की तैयारियों के लिए निकली एक युवती को पिकअप ने टक्कर मार दी और ये दुखद हादसा परिजनों के सामने हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि परिजन बेटी को घर ले जा रहे थे जिसे के दौरान ये हादसा हुआ है। मेरे साले की बेटी लंच करने के लिए तपन होंडी से घर को आ रही थी, तो उसी दौरान चंडीगढ़ की तरफ से एक तेज पिकअप आई, उसने उसको टक्कर मारी और वो मौके से फरार हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने बुरे परे कैमरों से उसका देखा सीसीटीवी, इसमें तब जाकर के उसका पता चला गाड़ी का, और आज जो है उसकी एफआईआर हो गई है और उसने पुलिस के सरेंडर कर दिया उसने ड्राइवर ने। आज लड़की की कंडीशन फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।